اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ترجمه: یہ كتاب قران مجيد اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ और खुदा से डरने वालों की रहनमा है अल्लामिक नाजरीन आज की इस वीडियो में हम कुरानी मजीद की सुर नंबर दो सूरतुल्बरा की आयत नंबर दो की तफसिय बयान करेंगे जो कि तफसीर इबन कसर से माखूज होगी तो शुरू करते हैं आज की वीडियो तहक़ीक़त किताब हज़रत इबन आबाज रज़ील् तरमाते हैं यहाँ जालिक मनी है हाजा के मुजाहिद अक्रमा सद जेबिया सदी मुकतिल बिन हबाब जैद बिन असलम और बिन जरीज का भी यही कौल है ये दोनों लफ्ज़ एक दूसरे के कायम मुकाम अरबी ज़ुबान में अक्सर आते रहते हैं हर तमाम बुखारी रम ने भी अबू आबादा से यही नकल किया है मतलब यह है कि जालिक असल में तो दूर के इशारे के लिए है जिसके मानी है वो लेकिन कभी नज़दीक के लिए भी लाते हैं इस वक्त इसके मानी होते हैं ये यहाँ भी इसी मानी में है मक्शरी कहते हैं कि इससे इशारा अलीफलाम मीम की तरफ है जैसे कि इस आयत में आयत कौल इक़ुल्हा बकर बकरतुल्ला फारिजुम वला बिक्र जालिक बिन मा तुमरून सूरह नंबर दो बकरा आयत नंबर अड़सठ यानी कि ना तो वो गाय बढ़िया हो ना बच्चा बच्चा बल्कि उसके दरमिया उम्र की जवान हो दूसरी जगह फरमाया आयत ज़ालिकुम हकमल यहकुम बैनकुम वल्लाहु उल्लुआलिमकम सूरह नंबर साठ सूरतमता आयत नंबर दस यही है अल्लाह का हुक्म जो तुम्हारे दरमियान हुक्म करता है एक और जगह शाद फरमाया ज़ालिकल्लह यही है अल्लाह ताली इसकी मिसाल और मौके पहले गुजर चुकी आलम बाद मुफ्सरी ने कहा है कि यह इशारा कुरान मजीद की तरफ है जिसके उतारने का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ था बाद ने कहा है कि तौरात की तरफ तो किसी ने इंजील की तरफ भी इशारा बताया है और इसी तरह के दस कौल हैं लेकिन इनको अक्सर मुफसरीन ने ज़यीफ़ कहा है वल्ल आलम किताब से मुराद है कुरानी मजीद जिन लोगों ने कहा है कि आयत सालिक किताब का इशारा तोरात और इंजील की तरफ है उन्होंने इंतहाई भूल भरीों का रास्ता इख्तियार किया बड़ी तकलीफ उठाई और खाम ख़्वा बिला वजह वो बात कही जिसका उन्हें इलम नहीं रैब के मैनी है शक् व शुबा हरत इबिन आबाश इबन अबास सऊद अबास, और कई एक सहाबा से यही मानी मरवी हैं अब दरदा इबन आब्बाश मुजाहिद सद बिन जबेर अब मालिक नाफिया जो 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 इबिन उमर के मौलान हैं अब अबूल आलिया रबी बिन अनस मुकतिल बिन हयान सदी कतादा इसमाइल बिन अबू खाली से भी यही मरवी है इबन अबी हाथम फ़रमाते हैं कि मुफ्रिन में इसमें अख्तिलाफ़ नहीं रैब का मानी अरब शायरों के शोरों शेरों में तहमत के मानी में भी आया है और हाजिद के मानी में भी इसका इस्तेमाल हुआ है इस जुमले के मानी ये हुए कि इस कुरान को अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा होने में कोई शक नहीं जैसे सुर सजदा में है अलिफलाम तंजीर किताबी लाई बफी ला सुर नंबर बत्तीस सुरतसजद आयत नंबर एक दो यानी बेशक ये कुरान करीम तमाम जहानों के पालने वाले की तरफ से है यानी इसमें शक न करो बास कारी लारे पर वक़ करते हैं और आयत फ़ी ही हदल्लमतिन को अलग पढ़ते हैं लेकिन आयत लारई व फ़ी ही पर ठहरना बेह, बेहतर है क्योंकि यही मजमून इसी तरह सुर सिद्धा की आयत में मौजूद है और इसमें यह नस्बत फ़ी ही हदा के ज़्यादा मबालगा है इस जगह हदायत को मुतकीियों के साथ मखसूस किया गया है जैसे दूसरी जगह फरमाया कुलहु वल्दीन आमन हदम व शुफा

आयत नंबर बयासी यानी यह कुरान ईमानदारों के लिए शिफा और रहमत है और जालिम लोग तो अपने खसारे में ही बढ़ते जाते हैं इसी मजमून की और आयतें भी हैं इन सब का मतलब यह है गो कुरान करीम खुद हदायत और महज़ हदायत है और सबके लिए है लेकिन इस हदायत से नफ़ा उठाने वाले सिर्फ़ नेक वक्त लोग हैं जैसे कि अरशाद फरमायान्नासुकम वशफा उलिमाफ़ सदूर वहदम वरमत लमिन सूरह नंबर दस सूर्यस आयत नंबर सतावन तुम्हारे पास अल्लाह ताला की नसीहत और सीने की बीमारियों की शिफा आ चुकी जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है इबन आबासबा से मरवी है कि हदायत से मुराद नूर है इबन अबास भी फरमाते हैं मुतकीन की तारीफ मुत्तकी वो हैं जो ईमान लाकर शिरक से दूर रहकर अल्लाह तहकाम बजा लें एक और रिवायत में है मुत्त वह लोग हैं तो अल्लाह ताला के अज़ाबों से डरकर हदायत को नहीं छोड़ते और उसकी रहमत की उम्मीद रखकर उसकी तरफ़ से जो नाजिल हुआ उसे सच्चा जानते हैं हज़रत हसन बसरी रहमत लाला आल फरमाते हैं मुतकी वो है जो हराम से बचे और फ़राइज बजा लाए हरत आमश हजरत अबूबकर बिन आयाश से सवाल करते हैं मुतकी कौन है आप यही फरमाते हैं फिर मैंने कहा ज़रा हज़रत कलबी से भी तो दरियाफ़त कर लूँ वो कहते हैं कि मुतकी वह हैं जो कबीरा गुनाहों से बचें इस पर दोनों का इतफ़ाक़ होता है कदादा फरमाते हैं मुतकी वो है जिसका वसफ़ अल्लाह ने खुद इस आयत के बाद बयान फ़राया अल्दी मीनू नबिलत व मम्मनाम्फ़ून सुर नंबर दो सुरतुल्बकर आयत नंबर तीन इमाम इबन जरिये फरमाते हैं कि यह सब ओसाफ मुतियों में जमा होते हैं तरमजी और इबन माजा की हदीस में है रसूल सल्ला सल वसलम फरमाते हैं बंदा हकीकी मुतकी नहीं हो सकता जब तक कि इन चीज़ों को ना छोड़ दे जिसमें हरज नहीं इस खौफ से कि कहीं वो वरज में गिरफ्तार ना हो जाए इमाम तरमजी इसे हसन गरीब कहते हैं इबन अभी हातिम में है हजरत माज रज़ील् तौन फरमाते हैं जब लोग एक मैदान में क्यामत के दिन रोक लिए जाएंगे उस वक़्त एक पुकारने वाला पुकारेगा कि मुतकी कहाँ है उस आवाज़ पर वो खड़े होंगे और अल्लाह ताला अपने बाजू में ले लेगा और बेहिजाब उन्हें अपने दीदार से मशरफ फरमाएगा अब आफिफ ने फरमाया हजरत मुतकी कौन लोग हैं तो आपने फरमाया जो लोग शिरक और बद बुत प्रस्ती से बचें और अल्लाह की खालिश इबादत करें वो उसी इज़्ज़त के साथ जन्त में पहुँचाए जाएंगे यहाँ पर हदायत की वजाहत कर दिए तो हदायत के मानी कभी तो दिल में ईमान प्योस्त हो जाने के आते हैं ऐसी हदायत पर सवाय अल्लाह जल्ला शाहाना के मेहरबानी के कोई कुदरत नहीं रखता जैसे कि इरशाद है इ नकला तहदी मन अहबलायाह वालम वा बिलमुहदी सुर नंबर अट्ठाईस सुरतुल्कस आयत नंबर छप्पन यानी ए नबी जिसे तो चाहे हदायत नहीं दे सकता फरमाते हैं आयत ले साई का हदाऊँ तो पर उनकी हदायत लाजिम नहीं फरमाते हैं आयत मई फल हदी अला सुर नंबर सात सुरतुल आराफ आयत नंबर एक सौ छियासी जिससे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कौन हदायत पर लाने वाला है फरमाए आयत मई यह मैदिल्लाउल मोहतदी सुर नंबर सात सरतल आराफ आयत नंबर एक सौ अठत्तर यानी जिससे अल्लाह हदायत दे वही हदायत पाने वाला है और जिसे वह गुमराह करे तुम हर उसका ना कोई वली पाओगे ना मुर्शद इस किस्म की और आयतें भी हैं और हदायत के मनी कभी के और हक़ को वाजे कर देने के और हक़ पर दलालत करने के और हक़ की तरफ राह दिखाने के आते हैं अल्लाह ताला फरमाता है व इन का इला सिरात मुस्तकीम, यानी तो यकीन सीधे राह की राहबरी करता है और फरमाते हैं इन मा अंत मंजर वली कुल्ली कौमिन हाद सुर नंबर तेरह सुरतररात आयत नंबर सात यानी तो सिर्फ डराने वाला है और हर कौम के लिए कोई हादी है एक और जगह इरछात फरमाया व अम्मा समु फा हूँ सुल नंबर इकतालीस सुरतफलत आयत नंबर सत्रह यानी हमने समूदियों को हदायत दिखाई लेकिन उन्होंने अंधेपन को हदायत पर तरजीह देकर एक और जगह छात्र फरमाया वहादीना हन् नजदीन सुल नंबर नबे सूरतलबलद आयत नंबर दस हमने उसे दोनों राहें दिखाई यानी भलाई और बुराई की तकवा के असली मानी बुरी चीज़ों से बचने के हैं असल में ये वकवा वक़ायत से मखूज़ है नाबगा वगैरह के अशार में भी आया है हरत इबन क़ाब से हजरत उमर बिन खत्ताब ने पूछा कि तकवा क्या है उन्होंने कहा कभी कांटेदार रास्ते में चलो जैसे वहाँ कपड़ों को और जिसम को बजाते हो ऐसे ही गुनाहों से तो बाल बाल बचने का नाम तकवा है इबन मअ शायर का कोल है यानी छोटे और बड़े और सब गुनाहों को छोड़ दो यही तकवा है ऐसे रहो जैसे कांटों वाली राह पर चलने वाला इंसान छोटे गुनाहों को भी हल्का ना जानो देखो पहाड़ कंकरों से ही बन जाते हैं अब दर्दा अपने अशार में फरमाते हैं इंसान अपनी तमन्नाओं का पूरा होना चाहता है और अल्लाह की रियादों पर निगाह नहीं रखता हालांकि होता वही है जो अल्लाह ताला का इरादा हो वो अपने दिनवी फ़ायदे और माल के पीछे पड़ा हुआ है हालांकि उसका बेहतरीन फ़ायदा और उमदा माल अल्लाह से तकवा है इबन वाजा की हदीस में है कि रसोल्ला सल अल्ला वसलम फ़रमाते हैं सबसे उम्दा फ़ायदा जो इंसान हासिल कर सकता है वह का डर है उसके बाद नेक बीवी है कि खामत जब उसकी तरफ देखे वो उसे खुश कर दे और जब हुक्म दे उसे बजा लाए अगर कसम दे दे तो पूरी कर दिखाए और जब वो मौजूद ना हो तो उसके माल की और नफस की हिफाजत करे सदक अल्लाह आजीम व सदक रसूल नबीचाल करीम सुलहानक्बी हमदी का श्लाक़ात सद्जीम हमारी ऐसी वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ यह है कि कुरान मजीद की तफसीर को सीखें और आप दोस्तों तक पहुंचाएं। हदीस नबी में है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए उम्मीद है कि आपको हमारी यह ज़रूर पसंद आएगी अल्लाह रब्बुल रबालजत से दुआ है कि हमें सही मानों में कुरान मजीद समझने वाला बनाए आमीन वख्र दावाना अनिलहमदिल्लाबीन اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد